भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा ब्रिस्बेन में पहला T20 मैच बेहद रोमांचक हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के रिवाइज टारगेट 174 के जवाब में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी और गब्बर के अलावा पूरी की पूरी टीम जो है ढहती हुई नजर आ रही है। पहला विकेट हिटमैन रोहित शर्मा के रूप में गिरा, वहीं अब दूसरा विकेट जो गिरा है टीम इंडिया का वो गिरा केएल राहुल का, और अब तीसरा जो भारत को सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है विराट कोहली के रूप में। जी हां, बता दें आपको कि 8 गेंदें वेस्ट करने के बाद विराट कोहली एक बार फिर नजर आए यहां पर आउट होते हुए। 4 रन विराट ने किए और उनकी कमजोरी पर फिर से वार किया है कंगारुओं ने। जी हां, विराट कोहली लेग स्पिनर के खिलाफ बाहर जाती हुई गेंद पर फंस रहे थे और एक बार फिर क्रिस लिन ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और विराट कोहली का विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ लग गया है। यानी कि पूरी तरह से अब भारतीय टीम पर दबाव है। भारत को 78 रनों की जरूरत है 36 गेंदों में। भारतीय टीम का स्कोर जो है 96 रन हो चुका है 11 ओवर में। अब पूरी की पूरी उम्मीदें धवन से हैं। देखना पड़ेगा कि भारतीय टीम यहां पर किस तरह से बल्लेबाजी करती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।